काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँ करूँ करूँ, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसे अपलोड कर पाऊँ। तो ये है पालक पनीर की रेसिपी जो मैंने ना सीज़न में ही खाया था, मतलब पालक का जो सीज़न होता है वो विंटर ही होता है। तो मैंने इसे बनाकर तो खा लिया, लेकिन ये एक्चुअली ना मतलब एडिट करके मेरे ड्राफ्ट में रखा हुआ था, तो एडिट भी किया हुआ था, बस मैंने इसमें वॉइस ओवर नहीं किया था इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने फाइनली इसे वॉइस ओवर करके अपलोड करने का फैसला कर ही लिया। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया ना कि पानी को बॉईल कर लिया और उसके बाद उसमें पालक को धोकर अच्छे से एक दो मिनट के लिए अलट पलट कर अच्छे से बॉईल कर लिया। और इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस थोड़ा सा बॉईल करना, क्योंकि आप ज़्यादा बॉईल करोगे ना तो इसका कलर आपको ग्रीन नहीं मिलेगा। बस इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दोनों तरफ से अलट पलट लेना है गर्म पानी में, और उसके बाद इसको बाहर निकाल कर ठंडा कर लेना है। आप चाहो तो इसे आइस वाटर में डायरेक्ट बना सकते हो, निकाल मतलब जैसे ही गर्म पानी से निकाले आइस वाटर में ऐड कर दीजिए अगर आपको तुरंत बनाना है तो। और उसके बाद इसमें दो हरी मिर्च, दो यहाँ पे मैंने ले लिए थे लहसुन, और एक छोटा टुकड़ा जिसको मैंने दो भागों में तोड़ लिया है अदरक का। तो इन सबको ना एक साथ मैंने ब्लेंड कर लिया है, और यहाँ पर ये देखिए पालक का प्यूरी बनकर तैयार हो गया। तो ये पालक पेस्ट को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे पनीर की कटिंग कर लेंगे। पनीर आप क्यूब वाले भी ले सकते हो या फिर साबुत पनीर है तो उसको आप क्यूब में कट कर लीजिए, साइज अपने हिसाब से रखिए, आपको ट्रायंगल चाहिए स्क्वायर में चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा बटर डालकर ना इसको सौते कर लेना। थोड़ा सा बटर के साथ मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि सारे पनीर में भी टेस्ट अच्छी आ जाएगी नमक की। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक दो मिनट के लिए अच्छे तरीके से थोड़ा सा गोल्डन होने तक ही कर लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद बाहर निकाल लेना और सेम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देना है, जीरा डाल देना है, अगर पांच फोरन है तो वो भी डाल दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे जीरा दिया है। दो सूखी मिर्च को ऐसे तोड़ कर डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तीन बड़े प्याज को चॉप करके रखा था वो डाल दिया, फाइन चॉप किया हुआ, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद इसे तब तक पकाया जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जैसे ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्च पाउडर। यहाँ पे मिर्च पाउडर मैंने आधी चम्मच और इस्तेमाल किया है, मतलब लगभग डेढ़ चम्मच इस्तेमाल किया है, तीखा आप अपने हिसाब से रखिए। और यहाँ पर ना एक चम्मच भर कर मैंने नहीं डाला था, आधी आधी चम्मच करके डाला, लेकिन एक चम्मच ही धनिया दिया मैंने। उसके बाद ये सबको फ्राई करने का थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो है हमारा मसाला जले नहीं, और उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही मसालों से तेल छूटने लग जाए ये समझना है कि हमारा मसाला पक गया है। तो पालक की प्यूरी इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। पालक की प्यूरी को भी ऐड करने के बाद एक दो मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद ग्रेवी अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से देंगे कि आपको कितनी चाहिए। तो यहाँ पे पालक भी अच्छी तरीके से क्या हो रहा है ना कि पक गया है, तो अब यहाँ पे मैं ग्रेवी ऐड करूँगी। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास टोटल पानी ऐड किया हुआ है और थोड़ा सा नमक मैंने बाद में ऐड कर दिया है। तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड करिएगा, जितना आपको नमकीन खाना हो, क्योंकि किसी को ज़्यादा नमक चाहिए होता है किसी को कम चाहिए होता है। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर लगभग आधी छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद इसे बॉयल आने तक अच्छी तरीके से पका लिया है। तो जब तक इसमें बॉयल नहीं आता है तब तक इसे पकाना है, और जैसे थोड़ा सा थिकनेस आ जाए ना ग्रेवी में, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालकर इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है एक मिनट के लिए। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी क्या ना ठंडी होने के बाद और थिक होती है, तो इसे स्टेज पे बंद कर देना है। उसके बाद जितने भी पनीर हमने फ्राई किए थे सब इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आप फ्रेश क्रीम को थोड़ा सा घुमा लीजिए चम्मच से या फिर मिक्सर में डालकर, और उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए पालक पनीर बनकर तैयार है। तो अभी थोड़ी सी पतली है हमारी ग्रेवी, लेकिन ढककर छोड़ देंगे तो ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा ये ग्रेवी थिक हो जाती है। अब है तड़के की बारी। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में घी ले लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और यहाँ पर क्या किया कि दो चॉप मैंने यहाँ पर कलियाँ ले ली है लहसुन की, और यहाँ पर मैंने थोड़े से अदरक को भी ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा चॉप कर लिया है, और आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। एक ग्लास सूखी मिर्च डाल दी है, उसके बाद इसे अच्छी तरीके से रेड होने तक पका लिया, उसमें फिर आधी छोटी चम्मच देगी मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। गैस बंद करने के बाद ही आप मिर्च पाउडर डालें वरना जल जाएंगे। उसके बाद इसे स्प्रेड कर दिया है पनीर के ऊपर, यानी कि पालक पनीर के ऊपर उसे मिक्स कर लिया है। और अब है सर्विंग की बारी, तो चलिए करते हैं इसे सर्व। तो आप देख सकते हैं कि इतना ठंडा होने के बाद और भी यहाँ पर कलर का जो थोड़ा थिकनेस ग्रेवी में आ गया। और कलर की बात है तो यहाँ पे पनीर येलो कलर की होगी, क्योंकि मैंने हल्दी यूज़ किया था ग्रेवी में, इसलिए अगर आपको नहीं पसंद है तो आप हल्दी को ना अवॉइड भी कर सकते हो यहाँ पे। तो थोड़ा सा फ्रेश क्रीम के साथ इसे गार्निश करिए और ख़ुद भी खाइए और मेहमानों को भी सर्व करिए, का बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस ठंडी पनीर पालक पनीर नहीं खाए तो क्या ही खाया।
अगर आपको नहीं पसंद है कि आपके पनीर में येलो इस कलर आ जाए, तो आपको क्या करना है कि ग्रेवी पहले बना लेना, उसके बाद पनीर को बॉईल करके 2 मिनट के लिए गर्म पानी में नमक डालकर छोड़ देना। उसके बाद उसको स्लाइस कर लेना, क्यूब या ट्रायंगल जो भी आपकी मर्जी है, और ऊपर से इसको रख देना है ग्रेवी के ऊपर। और ये तैयार हो गया बनकर हमारा ये पालक पनीर। तो आप इसे खाइए, सर्व करिए मेहमानों को, ये सबको ही बहुत पसंद आने वाला है, सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर